खेलो इंडिया यूथ गेम्स पुणे महाराष्ट्र, आज से औपचारिक शुरुआत हो रही है इन खेलों की। 20 जनवरी तक चलेंगे। जी हाँ, पहले दिन फाइनल अंडर 17 बॉयज 55 किलोग्राम वर्ग, 55 किलोग्राम अंडर 21 बॉयज का फाइनल भी, अंडर 17 बॉयज 49 किलोग्राम वर्ग का फाइनल और अंडर 17 गर्ल्स 40 किलोग्राम कैटेगरी का फाइनल। ये हैं आज के पहले दिन के इवेंट्स जो हम आपके लिए आज के दिन लेकर आने वाले। ये शुरुआत कर रहे हैं अरुणाचलम पौंडीचेरी के, पुडुचेरी के फर्स्ट कंपेटिटर, और ये कोशिश करेंगे, स्नैच अटेम्प्ट कर रहे हैं 64 किलोग्राम 64 किलोग्राम एंड वाइड ग्रिप, बहुत इजी लिफ्ट, हल्के में लिया पदम, बहुत हल्के में। जी हाँ रवि, और बता दें कि स्नैच इज अ सिंगल मूवमेंट where the lifter holds the bar in a wide grip, lifts the weight off the ground overhead in one movement, then stands up upright holding the bar overhead, aur phir unko intezar hota hai referee ka signal ka ki haan theek hai sir. So this is Ramachandra Madkami, Odisha ke chok ka istemal kiya jata hai taki bar par grip slip na ho pasine ke karan, aur एक सक्सेसफुल लिफ्ट के साथ शुरुआत की है मटकामी में ने, और नेक्स्ट कॉल किया है अरुणाचलम ने 67 किलोग्राम का। वाइड ग्रिप का इस्तेमाल किया जाता है स्नैच में, कंधे का लगभग दुगनी चौड़ाई, लेकिन इस बार जल्दबाजी, अपने लिए समय छोड़ा नहीं था, टाइम प्रेशर में आके अपने आप को गलत किया और ज्यादा पीछे ले गए। सर के पीछे अगर बार बार निकल जाए पदम, संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, और ऐसे में कई बार ऐसी लाइफ लॉन्ग इंजरीज हो जाती हैं कि कई दफा एक करियर समाप्त हो सकता है। अच्छा वो उन्होंने बारबेल को जाने दिया, वेट को जाने दिया। दो अटेम्प्ट अभी और बाकी हैं शंकर लखन के। एंड This is how the leaderboard stands. Subhash Lahre of Chhattisgarh at the top, 88, but with only two more attempts to go, so he can really raise the bar, as we say, literally and figuratively, Padam. Sirf weightlifter ki saansein thamti nahi hai, support staff, bilkul aisa lagta hai ki ye agle 30 second, unki zindagi ke aakhri 30 second honge, aur is bar bhi अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाए, उस वेट को पूरी तरह से सटीक तरीके से लिफ्ट नहीं कर पाए, दोनों एल्बोज को स्ट्रेट नहीं कर पाए, और इसका खमियाजा उन्हें चुकाना पड़ा। तो 97 ही शुभम का बेस्ट रहा है जो उन्होंने क्लियर किया है। अंडर 21 बॉयज का स्नैच का ये कंफर्मेशन देख लें, 104 थर्ड अटेम्प्ट में प्रशांत कोहली, 97 में पीयूष सिंह 97 केजी उठा पाए, इसके अलावा एजिल रजन 92 केजी जो कि तमिलनाडु के हैं, और अरुणाचल के देजुम गाड़ी 85 किलो ही वजन उनका बेस्ट रहा। तो ये टॉप फोर लिफ्टर्स 55 केजी कैटेगरी के, और अंडर 17 बॉयज स्नैच का देख लें, मुना नायक 102 उनका थर्ड अटेम्प्ट, पुणे पूरी तरह से तैयार है एक भव्य आयोजन की मेजबानी के लिए। खूबसूरत शहर पुणे मेजबानी कर रहा है दूसरे खेलो इंडिया गेम्स की। महिलाओं की 17 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं की रिदमिक जिम्नास्टिक इस समय चलती हुई, रिद्धि पविचंद्रन हाटेकर जो कि महाराष्ट्र से हैं, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, 40.45 उनका टोटल स्कोर। ये नन्हे मुन्ने सितारे पूरे देश का नाम रोशन करेंगे आने वाले वक्त में। रजत भी महाराष्ट्र ने ही जीता, महाराष्ट्र की सिद्धि पविचंद्रन हाटेकर रजत, रिद्धि ने ब्रॉन्ज जीता, सिद्धि ने सिल्वर जीता, एक ही परिवार की ये दोनों बहनें।
प्रतिशा सामंता वेस्ट बंगाल ने गोल्ड जीता है। और जिम्नास्टिक में वैसे भी आप जानते हैं, चाहे बंगाल हो, असम हो या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, बढ़िया प्रदर्शन करते रहे हैं। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में अंडर 17 गर्ल्स का गोल्ड, प्रतिष्ठा सामंता वेस्ट बंगाल के खाते में। समय बहुत ज्यादा लेते हुए, लेकिन कोई मुश्किल की बात नहीं। प्लेटफॉर्म से वेट उठ गया तो घड़ी रुक जाती है, काउंटडाउन क्लॉक। स्टडी होल्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आखिरकार संभाल लिया। इसे कहते हैं बाल बाल बचे। और अब गुलाम टिंकू 112 किलोग्राम पे ही अटेम्प्ट करेंगे। इनका भी 108 किलोग्राम फर्स्ट अटेम्प्ट, गुड लिफ्ट था। किलोग्राम स्नैच में थर्ड एंड फाइनल अटेम्प्ट में किया था। पिछला अटेम्प्ट 108 का था, ये 112 अटेम्प्ट कर रहे हैं। काफी समय लिया क्लीन में। ये कंधे पर पदम रेस्ट करना भी एक आर्ट होती है। थोड़ा सा मुश्किल में लड़खड़ाए, लेकिन संभाल लिया बार को और तीनों जजेस की सहमति मिल गई। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स पदम ही लुक लाइक ही मे गिव अप, रेस्टेड द बार वेरी वेल ऑन द शोल्डर्स एंड देन यू सी स्विंग्स इट अप। दिशा भी बदली रही, अगर आप देखें, द मोमेंट ही वेंट अप विद द फाइनल वन देयर द डायरेक्शन चेंज्ड, बट ही डिड नॉट लूज द कंपोजर, डिड नॉट लूज द फोकस। Getting the wrist locked in the right position, that was the key for Gulon Tinku. Harikaran back in action, attempting 113. Still some way to go for the top lifters to come, because some of them are starting at 125. We got 135 as well on the board. पहला एफर्ट 113। थोड़ी दिशा बदली है, कंपोजर बेटर होना होगा। क्लीन भी, जर्क भी, आगे चले। टोटल स्टैटिक थे कि नहीं? जी नहीं, वैलिड नहीं होगा। ये जो फाइनल पुश था उनका, राइट हैंड लॉक नहीं हो पाया, इस कारण से मुश्किल में पाया अपने आप को। एलिजरासन ने, तमिलनाडु के एलिजरासन, खेलो इंडिया एक यूथ गेम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म पदम बन गया है जहां पे आपको युवा खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं और इंटरनेशनल स्टेज पे धमाका कर रहे हैं। बिल्कुल, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स पिछली बार से बेटर, बिगर, ग्रैंडर। 18 टोटल इवेंट्स, 400 से ज्यादा गोल्ड मेडल्स ऑन ऑफर। देश के नंबर वन स्पोर्ट्स चैनल पर आप देखे जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, जो दिखता है वो बिकता है, तो हुनर अब छिपेगा नहीं छपेगा। रवि सर, खेल रहा है इंडिया, खेल रहा है इंडिया। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन पदम, because this is where the gold mine is. Got to find the nuggets right here. Pan the nuggets, as they say in the wild wild west. Abhishek Mahajan has got it right, spot on. Looked good for much more, Padam. Got 2-1 verdict, but I'm surprised. Holding it on the shoulder perfectly. Bit of a shake there, but look at the face. Abhishek Mahajan, 203 kilograms total with that lift. Rule कहता है the lifter must hold the bar steady and motionless in all parts of the body overhead.
with feet in line with the plane of the trunk until the judges give the down signal. और तीन में से दो जजेस का आपके हित में निर्णय आना जरूरी होता है. दूसरे अटेम्प्ट 113 Ezilarasin, 113 kilogram, looking better than the last one. Held it up. She's moving, still moving. She's done just enough. Done just enough to get the knot. Commentary box में दो commentators दोनों सर हिला रहे थे क्योंकि जब आप अपनी बाज में पूरी ऊपर लेके जाते क्लीन के बाद जर्क में आपकी बॉडी मोशनलेस होनी जरूरी होती है एक सेकंड के लिए. हम सोच रहे थे ऐसा नहीं मगर जजेस की पारखी निगाहें पैनी निगाहें एजिलरासन 113 किलोग्राम में सेकंड अटेम्प्ट सक्सेसफुल 205 का टोटल. दैट बिकम्स योर फाइनल टैली. और अगर आप टॉप थ्री में नहीं फिनिश करते हैं उसके बाद आप चौथी पे आए छठी पे आए दसवीं पे आए ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है. इसलिए रवि हम बार बार कह रहे हैं आपको चांसेस लेने होंगे आपको खुद को चैलेंज करना होगा क्योंकि आपका पहले तो कंपटीशन खुद से है उसके बाद आप बाकियों के अंक भी देखें. ओ यस इट्स सो ट्रू इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ यू गॉट टू चैलेंज योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर यू टेक ऑन द बिगर चैलेंजेस. जस्ट 2 सेकंड्स बिफोर ही गॉट द weights off the platform. Yes, looks to have done enough. No, not good enough, Padam. Not good enough because the head was shaking right through. The feet were all right, the elbows were straight. Aap agar replay dekhenge Ravi to ye dekhiye ye yahan tak clean bilkul clean tha. Jerk mein jab aap dekhenge ye dekhiye आपकी पूरी बॉडी मोशनलेस होनी जरूरी हो जाती है. द हेड द फेस वाज शिवरिंग ऑल द वाइल. वही एक कारण था कि उन तीनों जजेस में सिर्फ एक ने सोचा कि वो ठीक थे. देजम गाड़ी डिसअपॉइंट्स विद हिज सेकंड अटेम्प्ट 114 किलोग्राम पर ही रहेगा बारबेल. और अब आते हुए अनिरुद्ध नेपाने महाराष्ट्र के. और चूंकि हम महाराष्ट्र में ही हैं तो आप जब ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप अभी तक ऑडियंस में से किसी ने ये नहीं कहा था माजी सटकली अभी तक उसकी नौबत आई नहीं है लेकिन शायद जब कोहली और कोलेकर आएंगे दर्शकों का उत्साह अब दिख रही सुनाई दे रहा पता चल रहा है कि हम पुणे में क्लीन कर चुके हैं. शोर हर्षो उल्लास नहीं हालांकि उनके पास डेढ़ सपोर्ट थी एक खुद की आधी ऑडियंस की मगर वो भी काफी ना रही. Well, it does happen. Disappointment writ large on the supporters, but got the weights up on the shoulder all right, but the transfer and then change of grip. That didn't work out. Could not lock his wrists properly. Which is why the failed attempt. For them, it's quite noticeable that when they take it on the clean and rest the bar, they have to change the grip. And when that changeover is not correct, you tend to lose control over the barbell. Are smash lare. दूसरा अटेम्प्ट 114 का. और इनकी खासियत यह है कि एक क्राई ऑफ वॉर आती है जब ये पार्टिसिपेट करते हैं. इनका एक स्किल बन चुका है वो. कई दफ़ा जिस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिले जिस चीज़ से आप प्रभावित हों वो चीज़ आपको करनी चाहिए बशर्ते कि आप खेल के नियमों के दायरे के अंदर हैं. बिल्कुल दायरे के अंदर हैं. सुभाष लारे 114 किलोग्राम का ये दूसरा अटेम्प्ट. बिल्कुल स्टेडी नीज रोके हुए क्लीन. ओह
जी हाँ, शरीर का कोई भी हिस्सा आपकी फीट के अलावा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट लम्हा, लारे वारे, क्या बात। Absolutely correct. Doing it in style is what you say with this kind of a lift. Got it up to the shoulders. There you see the wrists. And then after he gets up, changes the position, changes the grip. And the position of the feet becomes so vital. If they are not wide enough, you might not get that push to take it overhead. जी हाँ, 205 इनका टोटल स्कोर हो गया, यानी कि जो आपका बेस्ट स्कोर होता है स्नैच में और जो आपका बेस्ट स्कोर होता है क्लीन एंड जर्क में, वो बनता है आपका टोटल स्कोर। अब आ गए हैं अनिरुद्ध निपणे, महाराष्ट्र के ही हैं, तीसरा अटेम्प्ट है 114 किलोग्राम में, और ये जब अपना क्लीन एंड जर्क अटेम्प्ट जो करें, निश्चित तौर पर तैयार हो जाइए शोर सुनने के लिए, रोर सुनने के लिए। आप देख सकते हैं कोने कोने से आवाज आ रही है। निरुद्ध निपणे 114 किलो क्लीन एंड जर्क में, पिछला अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं था, क्लीन बढ़िया, छोटा ग्रिप है, ज्यादा वाइड ग्रिप नहीं है। यहां पर ये ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से आप अपनी एनर्जी का स्रोत बनाते हैं। ऑडियंस सपोर्ट, ओ फिर नाकाम, दो लगातार नाकामियां। Problem for Nepane was his feet were never wide enough. Did not allow himself enough of a push after getting it up on his shoulders. Did not open the feet wide enough to get that final push, and which is why he could not even get it up properly. जी हाँ, अभी आपकी फीट अगर आपकी शोल्डर से ज़्यादा दूर चली जाती हैं, इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आपको दिक्कतें होंगी ही होंगी। ये ऐसे नहीं है कि आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो किसी का नैरो स्टांस है बल्लेबाज का, किसी का फीट वाइड अपार्ट है। यहाँ थोड़ी आपकी फीट और आपके कंधों में एक लाइन होनी चाहिए। 116 अटैम्प्ट करने अब आ रहे हैं क्लीन और जर्क में एजिलरासन, और यहाँ पर एथलीट्स देश भर से आए हुए हैं। 20 तारीख तक चलेगा ये मेडिकल स्टाफ, अंडर 17 कैटेगरी, अंडर 21 कैटेगरी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आप सबका स्वागत। दिस इज डे वन, माय नेम इज पदम, विद मी इज रविकांत सिंह। रवि बताइए, उठा पाएंगे या नहीं? डाउटफुल, डाउटफुल है, क्योंकि एक नर्वस एनर्जी दिख रही है। ओ नर्वस एनर्जी थी एजिलरासन में, इसी कारण से क्लीन में भी कामयाब नहीं हो पाए, शोल्डर्स पे बैलेंस नहीं कर पाए सही ढंग से। ये जो प्रिडिक्शन आपने बिल्कुल सही दी, ये एक्सपीरियंस से आती? काफी कुछ, काफी कुछ। एंड दिस इज Bhaktaram Desthi, gold medal winner with a record Orissa under 17 boys category mein. Shuru se hi is competition ko dominate kiya tha Desthi ne. 105 kilogram ka new record unke liye clean and jerk mein, aur two-time Olympic medalist Sushil Kumar ने medals present किए। जी हाँ, हौसला वैसे ही बढ़ गया होगा, कद वैसे ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि सुशील कुमार के हाथों से मेडल, और ये वो मोमेंट्स है जब आप बाइट भी करते हैं, स्माइल भी करते हैं, इन मोमेंट्स को चेरिश करेंगे। We will relive these moments under 17 girls 40 kilogram category. What were the sort of results? I mean, these are moments that we are reliving. These are the moments we'll be reliving right through the next 12 days as well. I mean, these are action-packed next 12 days for you. This is the presentation ceremony for the same. Soumya Dalvi of Maharashtra taking the gold medal in the under 17 girls category 40 kilogram. On the military podium for women lifting under 17 boys 55 kgs is Golam Jingu from Arunachal Pradesh. A big round of applause for the bronze medalist Golam Jingu. I request Mr. Naveen to please do the honors. On the second position in weightlifting
अभिषेक गणेश महाजन, अ बिग राउंड अप्लॉज, अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल आवर विनर्स. थैंक यू सो मच मिस्टर नवीन. नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर पाल सिंह सिंधु टू गिव अवे द मोमेंटोस टू द चैंपियंस. I request Mr. Paul to give former our bronze national coach Paul Singh Sandhu, weightlifting K, Golam Tinku, Arunachal Pradesh, Subhash Lare, Chhattisgarh se, aur Abhishek Mahajan, under 17 gold medal winner with a total of 211. 90 kilograms snatch, 121 kilograms in clean and jerk. The parents, coach, or school staff of this athletics are here with us in the venue. I request you all to kindly stand up and be a part of our celebration. Wonderful moments for Abhishek Mahajan, local lad here, from Maharashtra. I know this is this. Prashant Kohli of Maharashtra. With a total of 225 kilograms, 121 in clean and jerk and 104 in snatch, was the leader in the snatch category but was overtaken. Munna Naik of Orissa takes the silver medal with a total of 230 kilograms, under 21, 55 kilograms. Shubham Kolekar, the man who set a new junior national record, injured his right knee in the process. Shubham Kolekar won the gold medal with a record to boot. 138 was the old record, and 139 was what he managed to lift in clean and jerk today to win the gold medal. Mementos being presented to the Prashant Kohli once again, the leader after the snatch competition, but fell behind in the clean and jerk, overtaken easily by Munna Naik of Orissa. So it's been a golden double for Maharashtra in the weightlifting arena. Under 17 and under 21 gold medals, both going Maharashtra's way, both with record efforts by the lifters. Abhishek Mahajan in the under 17 and Shubham Kolekar in under 21. There you see the lovely mementos. Shreya Praveen Mangale, Maharashtra ki silver medal inke naam gaya, aur Maharashtra ki shaan badhai. और गोल्ड मेडल गया इनके नाम बबलीन कौर, जम्मू एंड कश्मीर की, और जगह जगह से, देश के हर कोने से ब्रिलियंट एथलीट्स यहाँ पर आ गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में. मुबारकबाद उनको भी जिनको मेडल मिला और उनको भी जिनको नहीं भी मिला, क्योंकि कम से कम पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है.